टॉपिक जो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितित ऊर्जा। यानी अब हम लोग जो है लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हमने चर्चा किया था, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितित ऊर्जा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एकदम बहुत ही आसानी से आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, एक जगह वैद्युत क्षेत्र, देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको समझिए। ज्यादा इसमें कुछ हम आपको बहुत इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अगर अभी उस हिसाब से बताया तो काफी कठिन डेरिवेशन है, बट आपको एकदम इजी भी में समझना है। ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक हम लेकर आएंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव लेकर आएंगे। कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की आप देख रहे हैं दिशा इस तरफ है ना, सामने की दिशा में है। और इसकी जो इसका जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो भी उसी दिशा में है। तो जब भी आप इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे या अंदर लाएंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है हमेशा कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए, ठीक। और इसको ला करके आप जैसे यहां पर रखोगे, तो ऐसा करने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस पूरे सिस्टम में, आपने मान लीजिए कि आपने यहां पर ला करके इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू चार्ज। यहां पर जब आपने इस वैद्युत द्विध्रुव को प्रतिस्थापित कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस पूरे निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आप यहां से लेकर इसको आए हो तो कुछ कार्य करना पड़ा है ना, तो वही जो कार्य होगा वो किसमें, इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और वो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी इसकी इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होगी। अब फिर ये भी है कि अब अगर यहीं पर इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया भी जाए, मतलब जैसे इसको यहां पर भी लाया जा रहा है और उसके बाद में यहां पर घुमाया भी जा रहा है, तो जब घुमाया जाएगा तो मान लेते हैं कि उसको थीटा कोण घुमाया जाता है, तब किया, तब भी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तब किया गया कार्य जो होगा वो वाला कार्य, उसकी वजह से भी इसमें स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ संचित हो जाएगी। तो अगर इस पूरे निकाय में हम कुल ऊर्जा की बात करेंगे, तो हमें दो तरह की ऊर्जा को ध्यान में रखना होगा। एक तो पहले जब हम उसको अनंत से यहाँ वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए, तो इसकी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, फिर दूसरा जब हमने इसको थीटा कोण घुमाया, तो भी कुछ ना कुछ कार्य किया गया, तो उस थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य वो भी इसकी आंतरिक मतलब स्थितिज ऊर्जा में ही होगी। तो फाइनली जब हम कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो उसमें अनंत से लाने में और फिर थीटा कोण घुमाने में दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आप देखिए यहां पे जो है ये हो गया, जब हम कहेंगे प्रारंभ में जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो उस स्थिति में किया गया जो कार्य है आपका वो क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। तो बल आपका क्या होता है, माइनस क्यू ई हो जाएगा ना। जो अवेजी और ध्यान रखना, जैसे यह बराबर आपका हो गया माइनस क्यू ई, ठीक। और इसके अलावा जो है, हम जब इसको यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, तो जो मतलब ये तो बल आपका हो गया, अब हम अगर
स्थितिज ऊर्जा की बात करें या जो कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं W0, प्रारंभ में ऐसा है तो W0 बराबर क्या हो जाएगा, बल माइनस QE और विस्थापन 2L। तो आपको यहां से अगर इसको और इसको साथ में ले लो, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव लिखा है ना, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस PE, ये हो गया W0। और यही कार्य क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा के रूप में, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं U0, मतलब जीरो का मतलब प्रारंभ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस PE, इसको हम कह देते हैं समीकरण। बस समझ आया। आप फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम यहां पर बोलेंगे कि जब अब आपका ये यहां से मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव था ये उठ करके आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र में, तो इसमें जो आपको कार्य की आपने किया वही स्थितिज ऊर्जा इसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो बराबर होगा माइनस पीई के, ठीक। दूसरी चीज है कि जब ये आप ऐसे आपने यहीं पे छोड़ नहीं दिया, आप अभी क्या कर रहे हैं, इसको थीटा कोण घुमा रहे हैं। तो आप इसको जब थीटा कोण रोटेट करवाएंगे, मान लीजिए वो कंडीशन वैद्युत द्विध्रुव की कुछ इस तरह से हो जाती है, तो ये थीटा कोण रोटेट हुआ, तो इसको रोटेट करने में अभी हमने लास्ट के लेक्चर में जो है इसको कैलकुलेट किया था, लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि वहां पर जो जब यानी हम यहां पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण जब इसको हम घुमाते हैं, थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, तो कृत कार्य वहां पर हमने कितना कैलकुलेट किया था, बिल्कुल W बराबर PE टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला इसको हम मतलब तो दूसरा वर्क हो गया, लेकिन हम जो है इसको ये भी करते हैं। देखो घुमाने में जो किया गया कार्य किया जाएगा वो भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये आपका हो जाएगा थीटा कोण घुमाने में। देखो जब यहाँ पर हमने इसको घुमाया, कुछ भी नहीं घुमाया था, हमने क्या कहा था कि प्रारंभ में इसकी ऊर्जा इतनी है, हमने घुमाया माया नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे वैसे आप इसको सीधे सीधे लेकर आओ, समझ लो ना। मैंने क्या कहा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको बिना किसी एंगल पर झुकाया है, जैसे ये पैरेलल में है तो इसी की दिशा में इसको आप ऐसे उठा के लाके यहां सब्स्टिट्यूट। उस समय यानी उस समय क्या था, इसके बीच में कोण कितना था, जीरो, इसलिए हमने यहां पर कह दिया डब्ल्यू जीरो और उसकी वजह से जो स्थितिज ऊर्जा थी उसको यू जीरो बोल दिया, ठीक है। अब जब मैंने कहा थीटा कोण घुमाया गया तो किया गया कार्य कितना है, डब्ल्यू थीटा, तो डब्ल्यू थीटा, तो उस समय जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यू थीटा। तो यू थीटा बराबर डब्ल्यू थीटा, यानी यू थीटा इक्वल टू पी टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखते हैं कुल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यू बराबर यू जीरो प्लस यू थीटा। अब आप इसको यहां पे रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पीई, समीकरण एक से क्या है माइनस पीई, और ये है प्लस पीई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से हो जाएगा माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक। ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना, माइनस पीई कॉस थीटा, ये यू, ठीक है। तो ये है आपका डेरिवेशन इसका, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक आपको प्राप्त होगा वो यही प्राप्त